डिस्टिंग्विश गेस्ट एंड डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही सुभागा समय है कि असी पंजाब यूनिवर्सिटी का 57वां यूथ खुशी हुई है। आज इतने मैं आने का मौका मिले। बचपन तो सुनीदा सी भी सरदार एक बहुत ही वधिया कॉलेज है। आज इतने आके पता लगे है कि ये कॉलेज नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सिटी के बराबर एडा वड़ा इसमें खड़ा हो गया। बड़े बड़े कॉलेजेस देखे ने, इंस्टीट्यूट्स देखे ने, यूनिवर्सिटीज देखिया ने, पर इतने आके आई नाउ रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर टू काइंडली स्कॉट प्रेसिडेंट सर सरदार मनजीत सिंह गिल, वाइस प्रेसिडेंट सर सरदार हरदयाल सिंह गिल, खुशी हुई है। आज इतने
मैनू आने का मौका मिले है। बचपन तो सुनीदा सी भी सरदार एक बहुत ही वधिया कॉलेज है। अज इत्थे आके पता लग्या है कि ये कॉलेज नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सिटी के बराबर एडा वड्डा इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया। बड़े बड़े कॉलेज देखे ने, इंस्टीट्यूट देखे ने, यूनिवर्सिटीज देखिया ने, पर इत्थे आके महसूस होंदा है भी किसी चीज की कमी नहीं। नॉर्मली जिथे भी जाओ कहते नहीं फंड की बड़ी कमी है, कुर्सियां टूटिया ने, रंग रोग मुतरिया, फैकल्टी मैंबर घट ने, पर मेरे ख्याल से इतने किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत बहुत खुशी हुई है। आज का जो टॉपिक है, विल द टू ईयर बी एड कोर्स इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इससे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहना है। यस इट विल। जो देश आजाद हुआ अपना जो पंजाब सी जिन्हों वड्डा पंजाब कहते हैं। नाउ रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर टू काइंडली स्कॉट प्रेसिडेंट सर सरदार मनजीत सिंह गिल, वाइस प्रेसिडेंट सर सरदार हरदयाल सिंह गिल, डॉक्टर एस एस थिन टू द स्टेज for honoring our guest of the day, Sardar Ajit Singh Pannu. Sir, kindly escort. पता चल जाए कि अपना लाइफ का गोल सेट है, टारगेट बनया हुआ है, तो आप
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੀਚਰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਬਣੋ, ਚਾਹੇ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣੋ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਵਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਧੋਪੁਰ।
रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार रायकोट सरदार सतिंद्र सिंह जी वो भी हाजिर ने, डॉक्टर निर्मल जौड़ा जी, प्रिंसीपल सतविंदर कौर जी जो साढ़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसीपल हैं, डॉक्टर देओल जी जो साढ़े डिग्री कॉलेज के प्रिंसीपल हैं, सरदार जसबीर सिंह ढाट जी असी उन्होंने भी जी एन कहते हाँ जो हमेशा ही पंजाब की जो इस तरह पंजाबी साहित्य प्रोग्राम चलाते रहते हैं। मैं गुजारिश करांगा, बेनती करांगा डॉक्टर इंद्र शर्मा जी कि वो चार शब्द साढ़े ना जो सुने कर शर्मा जी आज के युग में लिखे समापन के मुख्य मेहमान तहसीलदार साहब मेरे लिए बड़े भाई जैसे डायरेक्टर निर्मल जोड़ा साहब प्रोफेसर एच एस बराड़ साहब प्रोफेसर जॉन साहब डॉक्टर सतविंदर जी मैनेजमेंट मेंबर्स मीडिया जॉन से आए हुए कॉलेज ऐसे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स टीचर साहिबान सबसे पहले तो मैं इस साल के लिए मेला आयोजन का जो समापन समारोह है सारे के सारे जो कॉलेज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से देना चाहूँगा। इस यूथ मेले का जो आयोजन किया गया प्रोफेसर एच एस बराड़ साहब मेरे लिए जो छोटे भाई जैसे मुझे प्रोफेसर बराड़ साहब से काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है और काफी कुछ मैं सीख भी रहा हूँ। आगे जो ये विरासत की मेला या ये कहें कि जो विरासत को संजोए रखने का कार्य कर रहे हैं सरकार सरदार मनजीत सिंह जी गिल प्रधान मॉर्निंग कौंसल डॉक्टर स्वर्णजीत सिंह जी गिल प्रिंसीपल साहब प्रोफेसर साहबान अति प्यारे बच्चे मैं अज इस महान विद्यक संस्था में आके मान महसूस हो रहा है। ये संस्था इस इलाके का मान है। इस संस्था विचों विद्यार्थी प्राप्त कर विद्या प्राप्त करके विद्यार्थियों ने वक् वक् खेत्रों में सिक्ख्या प्रशासन सभावान विदेशों में जाके इस संस्था का नाम उच्चा किया है। ये संस्था 1948 में होंद में आई उदों ही ये विद्या का वड्डा चानण मनारा बन के सिक्ख्या के खेत्र में सेवा बन के रहा है। इस उपरंत इस मैनेजमेंट वालों 1954 में बीएड कॉलेज शुरू किया गया। उस तो बाद फार्मेसी बहुत सारे होर कोर्स शुरू किए गए हैं। मैं इस कॉलेज इस इलाके की यूनिवर्सिटी मानता हाँ। मैनू सामने बैठे विद्यार्थियों से ये आस है कि वो इस कॉलेज विचों तालीम प्राप्त करके वक् वक् खेत्रों में जाके इस कॉलेज का अपने मापियां का नाम रोशन कर विद्यार्थियों मेहनत करो अपने मंजिल का निशाना लिखो। फिर मैं ये गल दावे नाल कह सकता हाँ कि तुम उस मंजिल से जरूर पुजोगे। हर समय गुरु रूपी अपने प्रोफेसर साहबान का सम्मान करो, पढ़ाई में मेहनत करो, तुहाडे मापियां ते बहुत मेहनत करके बहुत ही आसान पढ़ने ही भेजा है। लेकिन जिनी हिम्मत से डॉक्टर बराड़ ने इन्होंने स्टाफ
मैं तहसीलदार साहब रैनपुर तो अंत विच ए उत्सव दर्शकां अते विद्यार्थियों उपर अमित यादां छड्डदा मुड़ मिलन दा वादा करदे होया संपन्न हो गया।